मैथ्स तो बहुत ज्यादा टफ था, मैथ टफ था और जिस अकॉर्डिंग मैथ टफ था लगता नहीं कि अगर कदाचार नहीं हुआ होगा तो बहुत ज्यादा कटअप जाएगा। अगर क्वेश्चन पहले लीक हुआ होगा या तो किसी के पास कहीं से होगा तो कटअप आ जाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत ही टफ था। मैथ को लेकर हम निराश नहीं है, आई एम हैप्पी, वट एवर क्वेश्चन इज देयर आई एम हैप्पी, बट विद द लाइक आफ्टर रिजल्ट इफ कटअप विल बी वेरी हाई देन डेफिनेटली समथिंग इज हैपन बैक एंड एट बैक एंड एंड। विकास कुमार, विकास जी कैसा रहा एग्जाम? तो अच्छा रहा। क्या कहेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल था, 110 120 सफिशिएंट था, उससे ज्यादा नहीं जा सकता था। चार मुख जो है इस बार बनाने की कोशिश किया गया एग्जाम को, देखिए कितना फेयर रहता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, कैसा रहा क्वेश्चन, किस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन तो मैथ वगैरह तो टफ था, मैथ्स तो बहुत ज्यादा टफ था। मैथ टफ था? हाँ। क्या मैथ टफ था? मैथ टफ था और जिस अकॉर्डिंग मैथ टफ था लगता नहीं कि अगर कदाचार नहीं हुआ होगा तो बहुत ज्यादा कटअप जाएगा। अगर क्वेश्चन पहले लीक हुआ होगा या तो किसी के पास कहीं से होगा तो कटअप आ जाएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बहुत ही टफ था। जो लेवल होना चाहिए, अगर कोई 20 क्वेश्चन 20 ट्राई करता है तो 45 से 50 मिनट मैथ में लगेगा। हम खुद इंजीनियर, हम खुद बीटेक किए हुए हैं, लेकिन हम अगर कोई कहता है कि हम 2 घंटे में 150 क्वेश्चन बनाए और उसमें 140 145 ला रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सरकार को, मीडिया वाला, आप लोगों को भी ये सोचना होगा कि इतना क्यों जा रहा है कटअप, इतने हाई लेवल क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन में कटअप क्यों इतना जा रहा है। इंटरनेट बंद होना ना होना ये डिफरेंट बात है, लेकिन ये कटअप आता है। जैसे कि आप पिछले एग्जाम में हम लोग देखे कि 150 में 148 ला रहा है, 145 ला रहा है कोई बंदा, उसको एक जो कैंडिडेट दूसरे एग्जाम में ग्रुप डी और दूसरे एग्जाम में कटअप पार नहीं कर, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो बंदे लोग अभी 150 में फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में 148 135 140 ला रहे हैं। तो डेफिनेटली आई कैन से समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड दिस। मैथ को लेकर के जो है निराश रहे? नहीं, मैथ को लेकर हम निराश नहीं है, आई एम हैप्पी, वट एवर क्वेश्चन इज देयर आई एम हैप्पी, बट विद द लाइक आफ्टर रिजल्ट इफ कटअप विल बी वेरी हाई देन डेफिनेटली समथिंग इज हैपन बैक एंड एट बैक एंड एंड। कड़ाई की, उस पर क्या सरकार ने कड़ाई की, लेकिन उसके पीछे सरकार का तो मंत्र ठीक लग रहा है, लेकिन और जो इसके पीछे जो पिछले एग्जामों में होते आ रहा है, कुछ क्वेश्चन लीक्स के मामले आ रहे हैं, क्या उन लोगों को रोक पाए सरकार की? नहीं, ये सोचना होगा सरकार को, सोचना होगा सरकार के बड़े अधिकारियों को भी सोचना होगा, क्योंकि आप तो इंटरनेट बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन ही केवल ये होता है, कोई ऑफलाइन किसी को क्वेश्चन दे रहा है, ऑफलाइन कुछ कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप केवल इंटरनेट बंद करने से हम संतुष्ट नहीं है कि ये कदाचार मुक्त होगा। क्या कहिएगा, लोग बोल रहे हैं कि मैथ टफ था? नहीं, टफ तो कुछ पढ़ने वाला इंसान के लिए टफ नहीं था, लेकिन जिस तरह से आखिर पूछा गया क्वेश्चन, उस तरह से स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, वो 110 से 15 से ज्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर उससे जाता है तो सीधा समझा जाएगा कुछ ना कुछ कहीं खेला हुआ है। अच्छा, बस यही बात है। ओवरऑल बताइए, मतलब सब पार्ट को अलग अलग, सब पार्ट तो क्वेश्चन ठीक था, सब्जेक्ट वाइज बताइए। सब्जेक्ट का क्वेश्चन कोई खराब नहीं था, स्टैंडर्ड ठीक, जिस स्टैंडर्ड का एग्जाम लिया जा रहा है उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन ठीक था। पढ़ने वाला बच्चा निकाल लेगा, पढ़ने वाला बच्चा निकाल देगा, लेकिन अगर खेला हुआ तो कटअप ज्यादा जाएगा सीधा। एक ही सेम क्वेश्चन अगर कहीं लीक हुआ होगा इंटरनेट को बंद करके, खबर नहीं है, लीक खबर तो नहीं, इंटरनेट को बंद कर दिया तो खबर कहीं तो फैला नहीं कुछ इस बात का। क्या कहिएगा आप? बात सही है जो बोल रहे हैं कि अगर इंटरनेट नहीं बंद होता तब तो पता चलता ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंटरनेट बंद कर दिया, किसी कुछ पता ही नहीं चल रहा है मार्केट में क्या हो रहा है, एक प्रकार से इसको मार्केट ही बना के रखा था अभी तक। क्या बोल रहे हैं? हम लोग बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी एग्जाम देते हैं, बंगाल में होता है और जगह होता है, बिहार में होता है, कहीं भी ये नहीं होता है कि आप इंटरनेट बंद किया कर दिया जाता है। समस्या ज्यादा नहीं, यहाँ पे समस्या क्यों ज्यादा हो रहा है? आखिर परीक्षा ले रहे हैं, हमें ये समस्या क्यों हो रहा है? तो आप अगर एक लूप होल बंद करते तो दूसरा जो कदाचार करने वाला दूसरा लूप होल ढूंढेगा, ये तो डेफिनेटली है ना, क्योंकि IIT का एग्जाम होता है, NIT का एग्जाम होता है, हम लोग पहले भी दिए हैं। तो इंटरनेट बंद करना सॉल्यूशन ही नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए, आप उसको फाइंड कीजिए कि कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उनको बोलना होगा। कुछ नहीं, यही इंटरनेट बंद किया है उसको लेकर के थोड़ा आदमी को संकोच में आ रहा है, मतलब संदेह में आ रहा है कि नेट बंद करने का, मतलब तो बोल रही है कि ये तो बच्चे के फायदा के लिए किया गया है। क्या क्या फायदा के लिए? जो फायदा कुछ नहीं है, जैसे करके वायरल किया जाता था क्वेश्चन, आखिर सरकार ही लीक करते थे ने, जो पिछला बार लीक हुआ था क्वेश्चन वो तो सरकार ही किए थे, सरकार के तब तो मतलब आग फैला, अब उसको आगे नहीं फैलाने के लिए मतलब बंद किया जा रहा है नेट को। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा, निकाल लीजिएगा। हाँ, स्टैंडर्ड था वो हिसाब से ठीक स्टैंडर्ड, हाँ, लेकिन यदि उधर हुआ होगा लीक हुआ होगा तो फिर नो चांस रहा। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बताइए दिखा करके। लेवल जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा हम लोग को, GS का जो सेक्शन था, और खोटा ठीक था। थोड़ा खोल के दिखाई ना क्वेश्चन, देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, और
था था कुछ कहाँ से पॉलिटी अच्छा झारखंड से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया झारखंड से संबंधित क्वेश्चन ज्योग्राफी से था क्या क्या पूछा गया जैसे ज्योग्राफी से था ये मतलब तसर क्या था तसर रेशम का उत्पादन मतलब तसर से रिलेटेड क्वेश्चन था एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्या कहिएगा झारखंड से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया झारखंड से संबंधित क्वेश्चन में से जैसे कि भाई साहब बता रहे थे तसर रेशम से संबंधित क्वेश्चन था और भी बहुत सारा क्वेश्चन था जैसे कि कुछ मैप वगैरह से भी क्वेश्चन था झारखंड के मैप वगैरह से जो लोग पढ़े होंगे उन लोग मतलब उन लोग को क्वेश्चन आने में कोई कठिनाई नहीं था पेपर जो थर्ड का था वो कह सकते हैं कि कल से थोड़ा सा टफ था और ये पेपर अभी जो फर्स्ट वाला पेपर एक्चुअली में थोड़ा हार्ड आया है जिन लोगों का तैयारी है अगर पेपर फर्स्ट का ये लास्ट वाला पेपर थर्ड का नहीं होगा फर्स्ट का नहीं होगा वो लोग मतलब डिसक्वालीफाई कर सकते हैं क्योंकि पेपर थर्ड का ये बहुत मतलब टफ क्वेश्चन पूछा गया था क्या लग रहा है कैसा था मैथ बहुत बहुत हार्ड था मैथ और सेकेंड में लास्ट जो पेपर हुआ अभी शाम में वो भी बहुत हार्ड था अच्छा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया वो लग रहा था सीरियल पैटर्न पूरा एसएससी सीरियल का पैटर्न जो होता है ना उस तरह का मैथ होता था पूरा डीप डीप का क्वेश्चन पूछ रहा था अच्छा। जिसमें से मतलब सॉल्यूशन होना बहुत मुश्किल हो जाता था अच्छा। बहुत मुश्किल आ रहा था जनरल जीके जो है ना वो मतलब मस्त था मतलब एवरेज था उसमें कोई दिक्कत नहीं है झारखंड मस्त था खोरठा जो है सब बहुत ईजी था अच्छा। खोरठा बहुत ईजी था लेकिन जैसे ही जीके जीएस बोले और फर्स्ट पेपर जो हम लोग स्टार्टिंग में दिए थे वो बहुत हार्ड था झारखंड से क्या क्या पूछा गया झारखंड से बोला मंदिरों का शहर मलुटी ये सब जो क्वेश्चन था और बहुत सारा कूट में भी दिया हुआ था तरह तरह के दिया हुआ था कहेंगे कैसा इस बार रहा मतलब? इस बार ठीक है लेकिन बस एक ही चीज़ है कि अगर पेपर लीक ना हो तो अच्छा अच्छा खासा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा और इस तरह का हम लोग का सपना जो 9 साल का हुआ वो 9 साल में पूरा हो जाएगा 9 साल का जो है एक तरह से जी जी हाँ हाँ मतलब वनवास मिट गया हम लोग को क्या कि बहुत दिन से बोल रहा था कि आंदोलन करो ये करो छात्रा अधिक वगैरह वगैरह लेकिन आज तक जो हुआ कि अब जो है हम लोग को मुक्ति मिल गया है और जो लड़का सही में मेहनत करता होगा वो आगे निकल जाएगा जी झारखंड सरकार ने जो कड़ाई की उसके ऊपर क्या किया ये नेट इंटरनेट बंद किया वो भी बहुत अच्छा किया है जिसके कारण से क्या अफवाहों से दूर रहा लोगों और इस तरह का वो पेपर लीक मामला जो आता था जांच उस तरह जो अब बच गया ये सब चीज़ अब नहीं होगा आने वाला समय में लोग आगे लेकिन एक बात हम बोल रहे हैं सरकार से कि आजकल जो पॉलिटिक्स बाजी करते हैं वो भी बहुत खतरनाक करते हैं पेपर थर्ड को फर्स्ट में कर देना थर्ड को लास्ट में कर देना ये सबसे बड़ा गंभीरता वाली बात है जो नहीं करना चाहिए था क्या हुआ सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा तुमको नहीं मिला नहीं तुमको नहीं हमको भी नहीं मिला हमें तो नहीं मिला आपको मिला क्या इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला आपको मिला क्या Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.